हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ट्रिक सेशन में। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक सुपर ट्रिक लेकर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को धमाकेदार तरीके से। सबसे पहले तो जितने भी लोगों ने अभी तक मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल की ये लिंक है, इसको आप सर्च करिए मैथ्स बाय प्रबल सर। जैसे ही आप इस टेलीग्राम चैनल की लिंक को सर्च करोगे तुरंत मैं मिल जाऊंगा, मेरे को फॉलो करिए जिससे आपको सारे मेरे सेशन की लिंक प्रोवाइड हो जाए, PDF मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रिक को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए, क्वेश्चन में दिया है साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 9 डिग्री, कहाँ तक जा रहे हैं? साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले इसके पीछे का एक लॉजिक बता देता हूँ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जैसे ही दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो जाए, जैसे ही आपको दो एंगलों का सम 90 डिग्री मिलेगा, आप उन दोनों एंगलों को कैंसिल आउट करके उनकी जगह क्या लिख सकते हो? 1। दो एंगलों का सम आपको 90 डिग्री जैसे ही मिलेगा, तुरंत उन दोनों एंगलों को कैंसिल आउट करके उनकी जगह 1 लिख सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्वाड्रेंट में ये चीज फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ये ट्रिक के तौर पे कि जैसे ही दो एंगल अपने को सम दिखे 90, उनको काट के 1 लिखो। यहां पे देखो, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 89, 1 और 89 का सम कितना है? 90, कैंसिल करके 1। लेकिन होगा क्या ना यार, ये सीरीज के फॉर्म है। अब सीरीज के फॉर्म में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं एक आध नंबर ऊपर नीचे होगा, तो मैं आपके लिए लेके आया इसकी एक बेहतरीन ट्रिक। ट्रिक को समझते हैं, ट्रिक बोलती क्या है। सबसे पहले आपको वो नंबर पकड़ने हैं जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री, पहला और आखिरी, इन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री। तो आपका एक, मैं आपको लिखा रहा हूँ एक, मतलब शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है, याद रख लेना। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1 अपॉन 2। याद रख लो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म आपका कितना है? लास्ट टर्म 89 है, माइनस फर्स्ट टर्म आपका 1 है। डिफरेंस की बात करें तो 1 और 5 में 4 का अंतर, 5 और 9 में 4 का अंतर, तो अपॉन में 4 आ गया, प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, 89 में से 1 गया 88, और 88 का 4 से डिवाइड करा तो 22। बात समझ रहे हो, 89 में से 1 को माइनस करा 88, और 88 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 22 बचेगा, 22 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 23/2। और 23/2 को आप क्या लिखते हो? 11/1/2 आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल गया। आपको क्या चेक करना है? पहला और आखिरी नंबर का सम 90 डिग्री हो रहा है, इस ट्रिक को अप्लाई कर दो। स्क्वायर में होना चाहिए नंबर और प्लस में होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, स्क्वायर में चलेगा और प्लस में होगा ये चीज़, तब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1 अपॉन 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो SSC ने पहले पूछा, एक और क्वेश्चन ये देखिए। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, कहाँ तक जाना है? साइन स्क्वायर 85 डिग्री तक। एक चीज़ पे गौर करेंगे, 5 डिग्री और 85 डिग्री दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। 90 दिख रहा है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1 अपॉन 2। लास्ट टर्म आपका 85 है, माइनस फर्स्ट टर्म आपका 5 है, ये आपका लास्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो 85 माइनस 5 अपॉन डिफरेंस की बात करें, 5 6 7 8 1 का ही डिफरेंस है, प्लस 1 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 85 में से 5 गया तो बचा 80, 80 में प्लस 1 करा तो 81 अपॉन 2, और 81 अपॉन 2 का मतलब होता है 41/2, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। तुरंत मतलब विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, पहला और आखिरी नंबर का सम 90 डिग्री हो जाए। जैसे ही सम 90 डिग्री होगा आपको उन दोनों टर्म को पकड़ना है, 85 माइनस 5 अपॉन डिफरेंस करना, डिफरेंस आपको दिख रहा है 5 और 6 में 1 का है, 6 और 7 में 1 का है, और अपॉन में 2 से डिवाइड करना है प्लस 1 करने के बाद ऊपर। ठीक है, तो आपका आंसर है 81 अपॉन 2। एक क्वेश्चन और देखेंगे ऐसा ही, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो आपका SSC पहले पूछ चुका है। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। मैंने आपको क्या बताया, पहला और आखिरी टर्म दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो भाई अगर पहला टर्म 5 है तो आखिरी टर्म आपको क्या लेना पड़ेगा? 85। ये 85 ले लिया, 85 और 5 कितना हो चुका है? 90। तो मतलब सर इस वाले को क्या करना पड़ेगा? इस वाले को अभी थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर दो। ठीक है, इस वाले को अभी थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर दो, लेंगे उसको भी यूज करेंगे लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर देते हैं।
क्योंकि मेरे काम के सिर्फ ये दो नंबर है जिनका सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस वन अपॉन टू। सबसे बड़ी चीज़ है इस फॉर्मूले की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप खुद देख रहे हो ये आए हुए क्वेश्चन है उनमें सब में अप्लाई हो रहा है ये फॉर्मूला, सब में अप्लाई हो रहा है, मतलब इस फॉर्मूले की कोई लिमिटेशन नहीं है कि सर एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, सब में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लास्ट टर्म आपने देखा 85 है, माइनस 5 हो गया। डिफरेंस की बात करें 5, 10, 15 का मतलब डिफरेंस 5 का है, और प्लस 1 अपॉन 2। 85 में से 5 को माइनस करते हैं 80 आता है, और 80 में जब 5 का डिवाइड करते हैं, बात को सुनना, 85 में से 5 को माइनस करा 80, और इस 80 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 5 80, बचा क्या 16 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 17/2, मतलब 8.5, ठीक है 8.5। लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर 8.5 नहीं है, क्यों? आपने साइन 90 छोड़ दिया, साइन 90 कितना होता है 1, स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बात समझ में आ रही है। ये जो आंसर आया आपका यहाँ तक का आया, साइन 90 का स्क्वायर, साइन 90 1 होता है, तो 1 को भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तब आपके क्वेश्चन का आंसर 9.5 आएगा, ऑप्शन नंबर, क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन स्क्वायर में लगा हुआ है, प्लस है और साइन के फॉर्म में दिया, डायरेक्ट आंसर निकालो पीछे वाले टर्म को और आगे वाले टर्म का, सम 90 देख लेना, रिमेनिंग टर्म को बाद में सॉल्व करना, पहला और आखिरी टर्म 90 देखा, रिमेनिंग टर्म को बाद में सॉल्व करेंगे, तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर आया 8.5 प्लस 1 9.5 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक काम आपको करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड करने के बाद आपको मेरे को फॉलो करना है वहां पर, चाहे SSC आप गोल सेलेक्ट करो, चाहे आप बैंक गोल सेलेक्ट करो, जो भी गोल सेलेक्ट करना चाहो आपको सेलेक्ट करना है SSC या बैंक कुछ भी, और उसके बाद सर्च करना है वहां पे प्रबल लवानिया, प्रबल लवानिया सर्च करने के बाद आप मेरे को फॉलो करोगे, फॉलो करने से फायदा ये है मेरी क्लासेस की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ्री क्लासेस मेरी दो टाइम पे चलती है, पहली क्लास होती है सुबह 10 बजे, धमाकेदार क्लास होती है, एक बार आप अटेंड करोगे, इसमें एलजेब्रा चल रहा है, एलजेब्रा अभी शुरू करा है, लिटरली बता रहा हूँ, मोर देन 500 स्टूडेंट इसमें जुड़ते हैं, मज़ा आ जाएगा। सेकंड क्लास बैंक की चलती है 9 बजे, जो टारगेट बैच है मेरा IBPS RRB PO और क्लर्क का, ये फ्री बैच है, इसका कोई चार्ज नहीं है, आपको इस बैच में जुड़ना है फ्री क्लास के लिए अनअकैडमी पर, बस मेरे को फॉलो करिए प्रबल लवानिया नाम से, मैं वहाँ पे आपको मिल जाऊँगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, फाउंडेशन बैच ये है मेरा, फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा कोड है PRABALSIR, ये कोड आप यूज़ कर सकते हो और तुरंत आपको 10% ऑफ मिलेगा। सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।